आगे दूसरी चीज क्या है? असबाबे विरासत। यानी ये भी देखना ना कि जिसमें हम बांटने जा रहे हैं, जिसको देने जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है। वो अगर कोई आदमी वारिस बन रहा है मैयत के माल का, तो क्यों वारिस बन रहा है वो तो देखेंगे ना, तकसीम के तकसीम से पहले ये तो देखना होगा ना कि कौन वारिस बन रहा है, क्यों वारिस बन रहा है। तो उसके लिए तीन चीजें होती हैं, यानी तीन वजूहात हैं, तीन असबाब हैं जिनकी वजह से कोई शख्स किसी के माल में वारिस होता है। पहले क्या है? पहली वजह निकाह। निकाह, किसी ने किसी से शादी कर लिया, निकाह हो गया, तो अब वो मरेगा तो उसके माल में इसका हिस्सा है। बीवी मरेगी तो उसके माल में से शौहर का हिस्सा है। कितना है वो आगे हम पढ़ेंगे। शौहर फौत हुआ तो उसके माल में बीवी का हिस्सा है। निकाह हो गया काफी, गर्जिया भी रुखसती ना हुई हो, मियां बीवी एक दूसरे से ना मिले हो, सिर्फ निकाह ही हुआ हो, तो भी एक दूसरे के मरने के बाद एक दूसरे के वारिस होंगे। निकाह। दूसरी नसब। नसब खूनी रिश्ता, खूनी रिश्ता जो नसब तक नसब साबित करे, किसी आदमी का कोई बेटा है, किसी का कोई बाप है वगैरह वगैरह, इसको नसब कहते हैं। नसब सिर्फ खूनी रिश्ता काफी नहीं है, नसब होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने किसी औरत के साथ जिना किया, और जिना करने के बाद उसका जो बच्चा उसके पेट में हमल ढेर गया, और उसके कुछ दिनों के बाद दोनों ने शादी कर लिया। तो शादी करने के बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है ये उसका खून है, लेकिन उसकी औलाद नहीं मानी जाएगी, वो उसका बाप नहीं होगा, नसब साबित नहीं होगा। नाजायज बच्चे का नसब साबित नहीं होता, बाप से उसका नसब साबित नहीं होता, माँ के साथ मिलाया जाता है लेकिन बाप से उसका नसब साबित नहीं होता। तो इसलिए सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि भी खूनी रिश्ता है। ये जो मिसाल मैंने आपके सामने दिया इसमें खूनी रिश्ता तो है लेकिन नसब साबित नहीं होता, तो नसब होना चाहिए। वजह क्या है? नसब। हमारे यहाँ तो शायद हमारे मुल्क में क्या है कि कोई नाजायज बच्चा अगर ये प्रूफ कर दे कि मैं उसकी औलाद हूं, केस कर सकता है ना, उसका माल ले सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं इस्लाम में, नहीं, नाजायज बच्चा माल नहीं पा सकता, वो वारिस नहीं। और यही चीज लोगों को मालूम हो जाए तो शायद इस बदकारी से बाज आ जाए कि भाई उससे हिस्से मुतासिर होंगे, विरासत से महरूम हो जाएगा। ये सब चीजें भी अगर लोगों को पता चल जाए तो शायद ये चीजें भी रुकावट बन जाए बदकारी से। तीसरी चीज है वला। वला आजकल जो है इसका वजूद नहीं है, वला एक जमाने में ये ताल्लुक पाया जाता था, विरासत का ये सबब किसी जमाने में होता था, आज नहीं है, इसलिए इस पर हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। जो वला है ये आज नहीं है। वला किसको कहते हैं? एक आदमी ने किसी को आजाद कर दिया, कोई गुलाम था, कोई गुलाम आदमी था, औरत थी कोई भी, उसको किसी शख्स ने आजाद कर दिया, तो आजाद करने के बाद इसका उससे एक ताल्लुक हुआ ना कि इसने उसको आजाद किया, इस ताल्लुक को वला कहते हैं। और इस ताल्लुक की वजह से जो जिसने आजाद किया है वो उसके माल में हिस्सा पा सकता है, कब? जब उसकी अपनी औलाद ना हो, उसके अपने रिश्तेदार ना हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी गुलाम था, अब किसी ने उसको आजाद कर दिया, आजादी के बाद वो कमाया, कुछ बनाया होगा, लेकिन उसने शादी नहीं किया, उसके बच्चे नहीं है, तो उसका जो माल है कौन लेगा? इसको दिया जाएगा जिसने आजाद किया है, या कभी कभी हो सकता है उसके हो भी रिश्तेदार, लेकिन वो रिश्तेदार उसका पूरा माल नहीं पा रहे हैं। ये भी है ना, आगे आप पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि रिश्तेदारों में सारा माल बांट दिया जाए, यानी जितने रिश्तेदार होते हैं उनको माल तो मिलता है लेकिन सारा माल उनको नहीं मिलता, कुछ बचता है, तो भी इसको आजाद करने वाले को मिल जाएगा।
मैं हम लोग अलग तफसील बाद में हम उसको देखेंगे। खुलासा ये है कि वाला ये आज चूंकि इसका कोई वजूद नहीं है इसलिए इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं, ठीक है इसको आप छोड़। तो ये दो चीजें कन्फर्म हुई, तकसीम विरासत से पहले ये अरकान विरासत पाए जाते हैं, असबाब विरासत यानी हमने ये देख लिया कि कौन कौन रिश्तेदार है किस वजह से है ये भी कन्फर्म हो गया। एक तीसरी चीज भी कन्फर्म करेंगे आगे बढ़ने से पहले, क्या